नमस्कार, इंटरटैप न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में सपा जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव से बातचीत में कहा कि ब्लॉक प्रमुख का विकास ही लच और ब्लॉकों की एक अलग पहचान होगी। अपने गांव क्षेत्र को बेहतर विकास की मंशा से लड़े थे और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव के दौरान कर चुके कई अड़चनों का सामना, अपनी शालीनता और धैर्य का परिचय देकर बने निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख। ब्लॉक पर आई हर एक योजनाओं का क्षेत्र की जनता तक पहुँचाएंगे लाभ। क्या मामला है? कलेक्टर पर्सन मौजूद है। बड़े संघर्ष के बाद समाजवादी पार्टी के सदस्य जो है तमाम तरीके की परेशानियों को झेलते हुए आज जो विजयी हुए हैं आपके मुकाम, इस मुकाम पे आए। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे आपके सदस्यों को? विजयी सदस्य कैसे आज जनता को, आपके विजयी सदस्यों को आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में बताइएगा। आज पूरे प्रदेश में जो चुनाव हुए, आज खुशी इस बात की है कि दुबहा ब्लॉक से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर जो हम लोगों ने घोषणा किया, उम्मीदवार बनाया समाजवादी पार्टी से, आज वह निर्विरोध रीता सिंह पत्नी देवनारायण सिंह उर्फ पूना सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्वांचल के नेता रहे। आज दुनिया में नहीं है, हम सबके नेता रहे स्वर्गीय भूरा राम जी के पुत्र आदित्य गर्ग, जो चिलिकार ब्लॉक से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। आज हम लोग का सौभाग्य कि हम लोग के बीच में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सनातन पांडे जी, आदरणीय अनिल राय जी, जिले के महासचिव राजन कनौजिया जी, संजय जी और नमो नारायण जी और सभी हमारे वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि यह जीत लोकतंत्र की जीत हुई, इसे समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ेगी, माननीय अखिलेश यादव जी की ताकत बढ़ेगी। लोगों ने विश्वास जताया और उनको निर्विरोध चुना है। आज इस अवसर पर चिलकहर ब्लॉक के साथियों को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। उसी तरह से दुबहा ब्लॉक के सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यों का भी मैं हृदय की गहराइयों से मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, इस आशा और विश्वास के साथ कि समाजवादी पार्टी की ताकत को आप बढ़ाइए, आने वाले समय में 2022 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ अपनी बात को मैं। देखिए, आप जिला अध्यक्ष है और आप के अध्यक्ष के कार्यकाल में तमाम तरीके से लोग एक एक आके समाजवादी पार्टी मिलते गए और कारवां बनता चला जा रहा है। डे बाई डे पार्टी प्रगति पे हो रही है, लोग सदस्य बढ़ते जा रहे हैं, आपके विजयी सदस्य होते जा रहे हैं और आपके जो जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष का जो जीत हुई है वो भी एक ऐतिहासिक जीत मानी जाएगी। तो क्या कहेंगे, क्यों कैसा आपने ऐसा बताया, कैसा क्या किया अपने सदस्यों में कि तमाम लोग समाजवादी पार्टी में जीतते चले जा रहे हैं, ऐसा कौन सा जादू दिखाया आप? सही बात है, जब से मुझे जिम्मेदारी मिली मैंने प्रयास किया पूरे समाजवादी पार्टी के अपने वरिष्ठ नेताओं का दिल जीतने का, समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, पूरे जनपद का दिल जीतने का, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसको भी दिल जीतने का, जोड़ने का मैंने प्रयास कर रहा हूँ। जाति और धर्म और मजहब से ऊपर उठ करके सबको मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, समाज का अंतिम व्यक्ति भी, उसको भी जोड़ने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसी का आज परिणाम है कि जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से ये पहली बार ऐसा अवसर मिल रहा है कि हमारे बलिया जनपद में, ये कई जनपदों का वोट होता है, शिक्षक एमएलसी का वह भी हम लोग ने जीता, स्नातक एमएलसी का वह भी हम लोग चुनाव जीता। अभी बलिया जनपद में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नंगा नाच था, जिस तरह से आप लोगों ने देखा, मीडिया के लोगों ने देखा, जिस तरह से पूरे प्रदेश में नंगा नाच हुआ, उस तरह से बलिया में भी नंगा नाच हुआ, इसके बाद भी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आनंद चौधरी भारी बहुमत से 9 वोटों से जीत करके जीत हासिल किए हैं। आइए मिठाई ले लिया, जीत हासिल किए हैं साथियों। आज इसके बाद भी पूर्व मंत्री स्वर्गीय भूरा राम जी, जो हमारे कदावर नेता, उनके आज पुत्र जीते हैं, रीता सिंह दुबहा ब्लॉक से निर्विरोध जीती है और आने वाले कल हम कई सीटों पर चुनाव जीतने जा रहे हैं, जहां इस तरह से भारतीय जनता पार्टी बलिया जनपद में कार्यकर्ता के रूप में प्रशासन काम कर रही है, डंडा चलाया जा रहा है, हमारे कई जगह नामांकन करने के लिए रोका जा रहा है, लाठियां लोगों को बरसाई जा रही है, कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है,
इसके बाद भी समाजवादी पार्टी, और हम बधाई देना चाहते हैं बलिया जनपद के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि लाठी खाते हुए, तकलीफ उठाते हुए समाजवादी पार्टी के घोषित उम्मीदवार को जिताने का जो लोग काम कर रहे हैं, हम उनका बार बार मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ उनका, मैं स्वागत करता हूँ।